देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। माली समाज के ट्रस्ट पर चंद सदस्यों द्वारा कब्जा स्थापित कर धर्मशाला का संचालन मनमाने तरीके से किया जा रहा है, इसलिए यहां पर चुनावी प्रणाली व प्रक्रिया शुरू एवं लागू की जानी चाहिए। सोमवार 21 अगस्त को माली समाज के लोगों ने इंदौर संभाग आयुक्त कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन पत्र देकर चुनाव प्रक्रिया लागू करने की मांग की। समाजजनों ने कहा कि इस विषय में वे लोग पूर्व में इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी को भी ज्ञापन दे चुके हैं, किंतु अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। समाजजनों ने ज्ञापन पत्र में स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अति शीघ्र समाज ट्रस्ट में निष्पक्ष चुनाव प्रणाली एवं प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों के बंगले के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि बियाबानी धार रोड इंदौर पर बहुत वर्षों से माली समाज के सदस्यों की धर्मशाला सन 1998 में फुलेर माली जयपुरी ट्रस्ट द्वारा सार्वजनिक न्यास इंदौर से ट्रस्ट का पंजीयन क्रमांक 596 के तहत रजिस्टर्ड करवा कर चंद सदस्यों द्वारा कब्जा स्थापित कर मनमाने ढंग से संचालित किया जा रहा है। ट्रस्ट के 6 सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है, वहीं 7वें सदस्य ने सुचारू रूप से संचालन न होने पर इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्टियों की मृत्यु होने के बाद भी मनमाने ढंग से ट्रस्टी नियुक्त किए जाते हैं तथा आम सहमति या समाज के सार्वजनिक मीटिंग पर किसी भी तरह की कोई सूचना समाज के सदस्यों को नहीं दी जाती है। समाजजनों ने ज्ञापन में कहा कि ट्रस्ट में विधिवत चुनाव प्रणाली के माध्यम से कार्य हो, जिससे समाज को रूढ़िवादी कार्यों से निकालकर नई दिशा की ओर ले जाया जाए। चुनाव नहीं होने से समाज में रोष उत्पन्न हो रहा है। आज संभागायुक्त कार्यालय में माली समाज की ओर से तूताराम राजौरिया, मोहनलाल मावर, सीताराम जेतपुरिया, रमेश चंद्र आसीवाल, नितेश राजौरिया, हुकुम चंद जादम, मुरलीधर राजौरिया, सतीश जाजम, देवनारायण बनासिया, नीलेश सुईवाल, शिवनारायण चौहान, देवेंद्र बारवाल, ललित भीटरवाल, जितेंद्र सीनी, कैलाश चंद्र सीनी, भेरूलाल गडरालिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। बियाबानी धार रोड पर माली समाज की एक धर्मशाला है, उस धर्मशाला का संचालन पिछले कम से कम 80-90 साल से हो रहा है। तो पहले तो कहाँ से विधिवत रूप से होता नहीं था, फिर ट्रस्ट बना, ट्रस्ट बनने को कम से कम 24-25 साल हो गए। उस ट्रस्ट में भी 6 सदस्य का मतलब शांत हो गए हैं, उनका स्वागत हो गया। अब वहाँ पर कौन अध्यक्ष है, कौन कोषाध्यक्ष है, कौन महासचिव है, कोई लिस्ट नहीं, कोई सूची नहीं है और ना ही कोई हिसाब किताब चल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि उस ट्रस्ट का विधिवत श्रीमान जिलाधीश महोदय के माध्यम से उनकी उपस्थिति में और उनके अधीन के अंतर्गत एक चुनाव प्रणाली लागू किया जाना चाहिए और उसका मतदान करा के चुनाव कराया जाए और विधिवत रूप से अध्यक्ष सचिव महासचिव जो भी नियुक्त होते हैं उनको नियुक्त किया जाना चाहिए। इससे अगर नहीं होता है तो समाज के साथ में एक बहुत बड़ा रोष प्रकट होगा और एक बहुत बड़ी धोखेबाजी होगी। क्या इसको लेकर भविष्य में कोई आंदोलन प्रदर्शन होगा अगर सरकार हल नहीं कर पाती? पहले हमने कलेक्टर ऑफिस में भी श्रीमान जिलाधीश महोदय को हमने ज्ञापन दिया था, उसके बाद में हम यहाँ आज कमिश्नर साहब को दे रहे हैं और कमिश्नर साहब के माध्यम से ये अवगत करा रहे हैं कि अगर जल्द अगर इस पर सुनवाई नहीं हुई तो हम बहुत जल्दी है जो कलेक्टर महोदय के निवास पे या उनके ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री से ही मिला जाएगा। कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे चुके थे, वहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम कमिश्नर साहब को ज्ञापन देना है। पूरे समय ये चाहते हैं चुनाव हो, तो ये चुनाव कभी हिसाब किताब देते नहीं, न बताते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे गली में पढ़े लिखे कम लोग हैं, ये जो पढ़े लिखे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हमारे चुनाव में अन्याय हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे चुनाव न्याय हो और कमिश्नर महोदय क्या आप लोग चाहते हैं ट्रस्ट भंग और फिलहाल रिसीवर बैठे, इस पे क्या कहना चाहते हैं? ट्रस्ट भंग होकर के चुनाव प्रणाली लागू हो जाए। अच्छा, समस्त माली जयपुरी प्लेयर माली समाज के लोग हम सब यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं समाज महोदय के और मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल महोदय से हमने मांग की है कि हमारा समाज जो है इसमें कुछ समय पूर्व एक ट्रस्ट का गठन किया गया था जिसमें अभी मनमाने तरीके से समाज की गतिविधियाँ चल रही है, जो सार्वजनिक गतिविधियाँ होती है उससे परे होकर वो गतिविधियाँ चला रहे हैं। पूरी समाज का मानना ये है कि वहाँ पर चुनाव प्रणाली लागू करके और अच्छे लोग समाज में आए और समाज के हितों के लिए कार्य करें, इस हेतु हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। अभी 8 दिन पहले आपको बताना चाहूँगा कि 8 दिन पहले हमारी माली समाज की धर्मशाला बियाबानी पर है, वहाँ पर करीब करीब 100% माली समाज के सभी लोग वहाँ पर एकत्रित होकर हम सभी लोगों ने मीटिंग की थी और सभी लोग वहाँ पर सहमत हैं कि चुनाव प्रणाली लागू करके अच्छे लोगों को मौका दिया जाए, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनके मन मुटाव के कारण वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं और स्वयं या तो स्वयं का कुछ हित होगा इस कारण वो चुनाव प्रणाली लागू नहीं चाहते और पूरी समाज जो है जो चुनाव प्रणाली लागू करने के
पक्ष में है, इसलिए हमने संभाग महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कि हमारे समाज में आपके हस्तक्षेप से चुनाव प्रणाली लागू करके समाज का विकास हो। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु धारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।